वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पे फ्राइडे के दिन 185 लेवल पे क्लोजिंग दे चुका है ऑयल इंडिया स्टॉक, यानी कि 1.23% की तेज़ी देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन 23 सितंबर के दिन। तो फंडामेंटली नंबर्स यहाँ पे चेक करेंगे ऑयल इंडिया स्टॉक के लिए, जैसे कि मार्केट कैप जो है 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है, पी रेशो 2.72 का है, और यहाँ पे बुक वैल्यू जो है 282 का है। डिविडेंड भी ऑफर करता है स्टॉक, डिविडेंड यील्ड है 7.71% का, आरओसी जो है 21% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है, फेस वैल्यू ₹10 का है। कंपनी के जो सेल्स है 35,000 करोड़ के ऊपर है, प्रॉफिट जो है 7,300 करोड़ का प्रॉफिट भी है यहाँ पे ऑयल इंडिया कंपनी का। ईपीएस की बात की जाए तो ₹68 का ईपीएस है कंपनी के ऊपर। टोटल लोन जो है 16,721 करोड़ का टोटल लोन है कंपनी के ऊपर। तो बाकी के डिटेल देखे जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंडामेंटली यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें एक पे ऊपर नज़र डालेंगे। जैसे कि देख सकते कि नेगेटिव चीज़ें दो ही है, जैसे कि कॉन्टिनेंट लाइबिलिटी जो है 8,000 करोड़ के ऊपर है, और प्रोमोटर होल्डिंग जो है पिछले 3 सालों में 5% से कम हो चुके हैं। पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर नज़र आए तो देख सकते कि तकरीबन स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 0.66 टाइम बुक वैल्यू के ऊपर, स्टॉक अच्छा डिविडेंड यील्ड दे रहा है, कंपनी आने वाले क्वार्टर के नतीजे अच्छे देने के चांसेस है, और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट। और यहाँ पे डेप्टर्स डे जो है इम्प्रूव हो चुके हैं, 30 डेज से 24 डेज तक इम्प्रूव हो चुके हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन पॉजिटिव और नेगेटिव बातें जो है मशीन जनरेटेड है। तो ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे स्टॉक के लिए।